जिंदाबाद टैक्सी यूनियन, जिंदाबाद टैक्सी यूनियन, जिंदाबाद टैक्सी यूनियन, जिंदाबाद। ग्रेटर नोएडा टैक्सी चालक आज पूरे गौतम बुद्ध नगर में हड़ताल पर है। बैंक द्वारा लगातार ईएमआई जमा कराने का दबाव बनाने को लेकर आज दर्जनों टैक्सी चालकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। चालकों की सरकार से मांग है कि दिसंबर तक ईएमआई में छूट दी जाए, इसीलिए चालकों ने आज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही मांग की है कि बैंक द्वारा बनाए जा रहे दबाव को भी दिसंबर तक खत्म किया जाए। एक तरफ जहां पर सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है और तमाम तरह की छूट देने की बात कर रही है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो जनता परेशान है। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर टैक्सी चालक लगातार प्रदर्शन कर रहे इन चालकों का कहना है कि पहले तो 4 महीने लॉकडाउन रहा, काम धंधा बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो गया था। मैं देव ठाकुर, हमारी यूनियन है सर्वोदय एसोसिएशन के नाम से। हमारी डिमांड है, जैसे हमारा क्या है कि जब पूरा भारत, पूरा देश बंद है और फ्लाइट, टैक्सी, बस सारी बंद है, पूरा देश, यहाँ तक कि आईटी कंपनी सारी बंद है, तो हम एक बात बताइए, हम अपना ईएमआई भरेंगे कहाँ से? अगर हमारी गाड़ी रिकवरी बैंक वाले करते हैं तो हम मर जाएंगे, अगर हम मरते हैं तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। हमारी डिमांड है बैंक वालों से कि हमारी ईएमआई का जो टाइम, जो 31 अगस्त का हमको दिया हुआ है, जिसकी वो एक मुफ्त किस्त मांग रहे हैं, उस किस्त का टाइम हमको 31 दिसंबर तक दिया जाए। 31 दिसंबर तक देने के बाद में वो भी टाइम हमारा आगे बढ़ाया जाए और उसमें भी हमारा टाइम पीरियड 1-1 करके, मतलब जैसे एक किस्त हम देते हैं तो एक एक किस्त करके हमारा किस्त लिया जाए। और जैसे हमारा रोड टैक्स है, पेपर है गाड़ी के, जब हमारी 6 महीने से गाड़ी घर पे खड़ी है तो हम 14-15 हज़ार रुपये टैक्स कहाँ से भरेंगे? तो हमारा जो टैक्स है वो हमारा टैक्स 31 दिसंबर तक माफ़ किया जाए, 31 दिसंबर 2020 तक माफ़ किया जाए। हमारे सभी भाई हैं, अब जब हमने मोदी जी की हमने बात मानी, अपने नेताओं की हमने बात मानी, हर चीज़ की हमने बात मान गए, मानने के बाद हमने साथ दिया है उनका, तो अब मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी पीछे क्यों हट रहे हैं? वो भी हमारे साथ खड़े रहें। हमारी टैक्सी यूनियन है, टैक्सी यूनियन का हम सब भाइयों का साथ में खड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम विनोद कुमार है और हम ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाते थे तो 600-700 पर फेयर बनता था, अब वो 30-40% कमीशन खा रहे हैं, यूपी टैक्स, हरियाणा टैक्स दे नहीं रहे हैं, हम इतना कमीशन दे के खुद क्या बचेगा? जब वहाँ से आते हैं काम है नहीं, इंश्योरेंस कंपनियां ले रही हैं कंटिन्यू 5-5, 6-6 महीने से गाड़ी खड़ी है, इंटरेंस पूरा इंश्योरेंस जा रहा है गाड़ियों का, इंश्योरेंस कंपनियां अपना इंश्योरेंस आगे बढ़ाएं, पूरा सारे ड्राइवर भाई सब परेशान हैं, हमारी कोई और आमदनी थोड़ी है, हम गाड़ी चलाते हैं, ईएमआई दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, हमारी सब चीज़, जब पूरा देश बनता तो ये भी सब चीज़ें आगे बढ़ाई जाएँ ताकि हम अपना जीवन यापन सही से कर पाएँ। अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो टैक्सी चलाने के लिए सवारी नहीं मिल रही है, काम धंधा बिल्कुल मंदा हो चुका है, ऐसे में अब बैंक ईएमआई जमा कराने के लिए दबाव डाल रही है। लोगों का अब काम धंधा भी शुरू हो चुका है, लेकिन जैसे ही जिंदगी पटरी पर शुरू आना हुई तो अब जिसमें अगर हम टैक्सी चालकों की बात करें वो परेशान है, उनकी माने तो बैंक और आरटीओ टैक्स ईएमआई के नाम पर नोटिस भेजकर परेशान कर रहे हैं। कुछ टैक्सी चालकों की तो ईएमआई न जमा होने पर उनकी टैक्सी की रिकवरी भी हो गई है, इसलिए टैक्सी चालक आक्रोश में हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें दिसंबर महीने तक का समय दिया जाए, इसलिए आज उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ भूपेश प्रताप, ग्रेटर नोएडा, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।